नमस्कार दोस्तों, बीसीए न्यूज की टीम आज आई है रेशमा ग्राउंड में। जी हाँ, यहाँ चल रहा है महालक्ष्मी सरस का महामेला। जी हाँ, यहाँ पे एक एग्जीबिशन भरा हुआ है, ये जिला परिषद की ओर से आयोजन किया गया है। जी हाँ, यहाँ पे आयोजित इस एग्जीबिशन में अपने को खाने का स्वाद मिलेगा नागपुर घरों को। आइए, नागपुर में पहली बार हो रहा है, इसके पहले ये आयोजन मुंबई में हुआ करता था। जी हाँ, नागपुर वासियों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के ग्रामीण से जुड़ी महिलाओं के लिए महिलाएं यहाँ पे आई है, और ग्रामीण के छोटे छोटे तबके से यहाँ पे महिलाओं को लाया गया है। मतलब महिला बचत गट के कई संस्थाएं इस मेले में जुड़ी हुई है, और उनके तरफ से खाने का लज्जतदार स्वाद पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से आपको मिलेगा सिर्फ नागपुर के रेशमबाग ग्राउंड से। आइए हम अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं इस महाउत्सव में क्या क्या आपको मिलने वाला है। यहाँ मेले में इंटरेस्ट करते से ही आज पहला काउंटर बना हुआ है खाऊ गली का। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र से आए हुए हलर छोटे से छोटे, यहाँ आप देख रहे हो कि बुलढाणा से आए हैं, कई बुलढाणा, कई सोलापुर, सातारा, पूना हो, यहाँ हर तबके से यहाँ पे यहाँ के खाने का लुत्फ आप उठा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो वेज, नॉन वेज और चटपटा और ऐसे ऐसी डिश आपको यहाँ पे मिलेंगी जो आपने कहीं कभी नहीं खाई होंगी, और ना ही एक जगह आपको ये मिलेगा। पूरे महाराष्ट्र दर्शन आपको एक ही जगह मिलने वाला है। चलिए आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं, जैसे कि हमारे साथ एक फैमिली यहाँ पे। जी आप भैया कहाँ से आए? आप बुराड़ी से आए। यहाँ पे आपने अपने खाने का लुत्फ उठाया? खाने का लुत्फ तो उठाना चाहते, लेकिन सैटरडे होने की वजह से नॉनवेज। जी है, ये कैसे? हाँ, वो देख देख के ऐसा मुंह में पानी आ रहा है। जी जी, ये कंसेप्ट कल आएंगे हम। अच्छा अच्छा, और आपको यहाँ क्या पसंद आया? अच्छा है सर, सब अरेंजमेंट भी अच्छा है। शॉप जो है पूरे महाराष्ट्र से लगे हुए हैं। बाकी जो आपके जो चीजें आसानी से नहीं मिलती, वो सब चीजें यहाँ पे एक जगह पे मिल रही पूरे महाराष्ट्र में। क्या लगता है आने वाले दिनों में भी ऐसी चीजें होनी चाहिए नागपुर में? जरूर जरूर जरूर, तभी अपने बच्चों को भी पता चलेगा कि ये भी होता है, ये मिलता है, ये चीजें रहती है। चलिए फिर हम आते हैं यहाँ पे एक क्रूज कॉल के आंटी से बात करते हैं। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि रोटियां बना रही है मैडम। तुम्ही कुठून आलेले आहे का? बुलढाणा। अच्छा, किती दिवस झाले हे कार्यक्रम चालू आहे? ओके, तुमच्याकडे काय स्पेशालिस्ट आहे बुलढाण्याची? काय काय बनवता तुम्ही? ओके, अच्छा ठीक आहे। ओके, सगळं तुम्ही एकच बोलत आहे? अच्छा, तुम्हाला सांगा की सरकारकडून तुम्हाला गव्हर्नमेंट कडून काय काय भेटलं आहे? गव्हर्नमेंट कडून आम्हाला सुविधा मिळतात, आणि इंडियन गट आपला उमेदचा जो आम्ही स्टॉल लावलेला आहे इथं, त्या उमेदच्या कडून आम्हाला संपूर्ण सहकार्य आहे। ओके, आणि तुम्ही कुठचे आणि कशा प्रकारे तुम्ही तुम्हाला इथे घेऊन आलेला आहे? आम्ही संग्रामपूर बुलढाणा जिल्ह्यामधील संग्रामपूर तालुका येथील आहे, आणि आम्हाला उमेदगडाकडून आम्हाला येण्याची परवानगी मिळाली। ओके ठीक आहे, और भी कुछ स्टॉल के पास हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या यहाँ की खासियत है। यहाँ पे एक भीमाबाई स्वयं सहायता समूह बुलढाणा से एक यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मड़का रोटी तो आपने सुनी है, मगर ये कुछ अलग टाइप की रोटी है यहाँ पे जो मैडम बनवा रही है। आप देख सकते हो किस तरह से ये रोटी बन रही है। जी हाँ, ये मटके में डाली जाती है और गरम गरम रोटी का स्वाद। कुठून आलेले आहे तुम्ही? बुलढाणा जिल्ह्यावरून। ओके, किती जण आलेले आहे तुम्ही? अच्छा, या स्टॉलचा काही चार्ज तुमच्याकडून घेण्यात आलेला आहे? बचत गट आहे आमचा, आम्हाला स्टॉल मध्ये काय स्पेशालिटी आहे? तुम्ही बुलढाणा स्पेशालिटी नागपूर मध्ये काय विशेषता आहे? आमचे म्हणजे मटकीची मांडी। मटकीची मांडी, ओके, त्याच्यासोबत मटन आहे, चिकन आहे, अंडा करी आहे। ओके, दाखवू शकता तुम्ही मटनची काही खासियत? याचे स्पेशल मसाले युज केलेले आहेत तुमच्या? बुलढाणा जिल्ह्याचे, बुलढाणा जिल्ह्याची स्पेशालिटी आहे। टेस्ट पूर्ण तुम्ही एक बुलढाणा जिल्ह्याचा।
ओके, और भी कई स्टॉल हम आपको यहाँ पे मिलाने हैं हमें। उससे पहले यहाँ पे जो लुत्फ उठा रहे खाने का, उनको हम पूछना चाहते हैं कि क्या इनको खासियत लगी है। नमस्कार, तुम्ही कुठून आलेले आहात? रेशम बागारून। हे फूड स्टॉल मध्ये तुम्ही काय काय म्हणजे आता चकलेला आणि कसं वाटतं तुम्हाला? झुणका भाकर छान आहे असे। आणि काय काय बघितलं या स्टॉल मध्ये तुम्ही? ओके, खरेदी पण केलेलं तुम्ही? काय काय घेतलेलं आहे तरी दाखवू शकता? ओके, हे एक्झिबिशन मध्ये तुम्हाला बाहेरून म्हणजे महाराष्ट्राचे सगळे गोष्टी इथे एका जागेवर भेटत आहे। तुम्ही आनंदित आहात? ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ की पब्लिक और जो स्टॉल देखने आ रहे हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आज सैटरडे होने के बावजूद भी काफी भीड़ नजर आ रही है। उसके साथ साथ हम आपको आगे भी देखेंगे कि क्या क्या स्पेशलिटी यहाँ मिलती है, वो आपको दिखाने वाले हैं। ये पुणे पुणे शहर से ये आए हैं, मुझे दिख रहा है। और पुणे शहर से मैडम, आपकी इसमें क्या स्पेशलिटी? ये थाली कुछ अलग दिख रही है। अच्छा, वेज बिरयानी है। ओके, ये स्पेशल क्या है इसमें? एक बार खा के देखो, मतलब आपको समझ में आए। ओके, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि वेज और नॉनवेज बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट तरह से, ये इसको पुनेरी स्पेशल है। पुनेरी स्पेशल बिरयानी यहाँ पे जिस तरह से देख रहे हैं, नॉनवेज बिरयानी और ये वेज बिरयानी। उसी तरह से यहाँ पे गोंदिया से, जैसे आपने बचपन में देखा होगा नड्डा और नड्डे आलू, आपने बचपन में खाए होंगे जी। आप ये भी आपको चटोरा बचपन की यादें ताजा कर देगा। ये गोंदिया से एक समूह आया है, क्या कुछ तुम्हें कुछ ना ले लिया है? अच्छा, ये स्पेशलिटी क्या है ऐसी? ये लंच में नहीं बोले खाते होते? ओके, एक कितने रुपए से तुम्हें बिकता है? 20 रुपए। अच्छा, अरे वाह। अच्छा, क्या क्या टकर है तुम्हें स्पेशल? चाट मसाला। ओके, यहाँ पे चटोरे खाने के लिए भी काफी स्वादिष्ट चीजें दिख रही हैं, वेज और नॉन वेज। जैसे कि हम हमेशा सुनते कोल्हापुरी सब्जी का, जी हाँ, यहाँ कोल्हापुर से एक स्टॉल यहाँ लगा है। हम ये स्टॉल के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने वाले हैं कि कोल्हापुर का क्या है, क्या कुछ जी? जी कसू, नमस्कार, क्या स्पेशलिटी तुमच्या स्टॉल मध्ये आहे? कोल्हापूरतून कोणत्या गावातून तुम्ही आलेले? अच्छा, किती जण आले कोल्हापूर? सहा जण आलेले। ओके, तुम्ही आम्हाला दाखवू शकता की त्याची तरी कशी बनलेली आहे? चिकनचा सूप आहे। ओके, देशी कोंबडा आहे? ओके, आणि याच्यात मसाले वापरले आहेत, तुमची स्पेशालिटी आहे कोल्हापुरी? अच्छा, लौंगी मिरची कोल्हापुरी। अच्छा, लौंगी मिरची कोल्हापुरीचा भी टेस्ट तुम्हाला इथे या मेळाव्यात मिळणार आहे, या एक्झिबिशन मध्ये तुम्हाला मिळणार आहे। अजून भरपूर काही असे आहे किंवा तुम्ही पाहू शकता की लातूरतून इथे डोसा स्पेशल आलेला आहे। इथे डोसा आणि लाडू बनत आहे। त्याचप्रमाणे इथे तुम्ही बघू शकता वेगवेगळे स्टॉल आहे। इथे पालघर म्हणून एक स्टॉल आलेला आहे, इथे तुम्ही बघू शकता की इथे काय व्यंजन ठेवलेलं आहे। आपण पता करू की कसे कसे व्यंजन आहेत। नमस्कार, तुम्ही कुठून आलेले आहात? लातूर मधून आलेला आहे। काय स्पेशल आहे पालघर? पालघर मधून आलेलं आहे। काय काय स्पेशल आहे तुमच्या व्यंजन? कोळंबी आहे, बांगडा आहे। काय मोदक? अच्छा, हे मोदक। ओके, आणि ही फिश याला पॅक करून कशी ठेवलेली आहे? सॅम्पल डिश दाखवण्यासाठी। ओके मॅडम, तुम्ही इथे आलेले आहात, तिथे काही डिश घेतलेल्या आहेत, तुम्हाला कसं आवडलं? इकडे तिकडे बघून मोदक घेतलेले। अच्छा, आवडलं तुम्हाला एक्झिबिशन? एक्झिबिशन काय आवडलं? काय स्पेशालिटी आहे एक्झिबिशन? रिजनेबल रेट मध्ये आहे। ओके, तुम्ही एन्जॉय करत आहे। ओके ताई, तुम्ही कुठून आलेला आहे? मी नागपूरच आहे, पिपळा फाटा। पिपळा फाटा, इथे एक्झिबिशन तर तुम्ही लुक फुटवत आहे, कसं वाटत आहे एक्झिबिशन तुम्हाला? एकदम छान, एकदम छान। चलो, काही
कुछ यूथ पीढ़ी भी यहाँ पे बैठी हुई है, उनसे जानते हैं कि एग्जीबिशन कैसा लग रहा है। नमस्ते भैया, आप कहाँ से आए हो भैया? नागपुर की। कैसा लग रहा है एग्जीबिशन? मस्त लग रहा है। अच्छा, कुछ आपने यहाँ टेस्ट कर रहे हो तो टेस्ट कैसा है, किस तरह से? वही हम भांगड़ा फिश फ्राई कर रहे हैं और पानी बोल रही है और मसाला पापड़ जी। तो मजा आ रहा है, इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पे होने चाहिए, रेगुलर होते हैं तो बेटर है, एक नया टेस्ट मिलेगा और वैरायटी अगर रहती है तो और अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, पूरे महाराष्ट्र का टेस्ट आपको एक जगह मिलता है, इंडिया का मिले तो और बेटर है। ओके ठीक है भैया, आप कुछ कहना चाहोगे टेस्ट के बारे में? टेस्ट तो सही है। चंद्रपुर जिले के नागभीड़ से भी यहाँ पे कुछ संस्थाएं आई हैं और यहाँ पे कुछ व्यंजन बनाए गए, क्या स्पेशलिटी तुमसे क्या है? आमच्याकडे स्पेशल आहे कावरण चिकन आहे आणि मूंग डाळीचे वडे जास्त हे आहे। अच्छा स्पेशल आहे, आणि याच्यात यूज केलेले मसाले कोणते आहे, काय स्पेशालिटी? मसाले आम्ही काळे मसाले वापरतो आणि ते पंचकाडी तयार केलेले मसाले ते आम्ही जास्त वापरतो। किती लोक आलेले आहे तुम्ही इथे? तुमच्या नागपूर आम्ही आमच्या गटामधून 3 लोक आलेले आहेत। ओके, आणि सगळी सुविधा तुम्हाला जिल्हा परिषदने दिलेली आहे? हो, छान आहे, सुंदर आहे, उत्कृष्ट सुविधा दिलेली आहे आम्हाला। ठीक आहे, तर इथे माझ्याकडे बाजूला एक फॅमिली आली आहे, एक सिनियर सिटीजन सुद्धा इथे आहे, ताई तुम्ही इथचा स्वाद घेतलेला आहे, कसं वाटतंय तुम्हाला इथे? मस्त आणि सुंदर, बघायला पण सुंदर, छान वाटतंय। इथे काय खाल्लं तुम्ही? खाल्लं। काय आवडलं तुम्हाला? कोणतं आवडलं? ओके, अशा एक्झिबिशन मध्ये तुम्ही येत राहतात? आणि हे एक्झिबिशन पहिल्यांदा नागपूर मध्ये आलेलं आहे, पुढच्या वर्षी बी ते येणार अशी तुम्ही आवाहन करता? आम्ही येऊ ना, परत येऊ बघायला, आणि आनंद आला आम्हाला बघून, इकडलं तिकडलं। ठीक आहे, ये तो था फूड स्टॉल, यहाँ पे पूरी महाराष्ट्र के अलग से अलग व्यंजन यहाँ पे थे। इसके बाद हम जाने वाले हैं एग्जीबिशन के दूसरे पहलू पर। यहाँ पे एक स्टॉल आप देख रहे हो, अकोला से आया हुआ है और इस स्टॉल में आपको ये वैरायटी दिख रही है, इसको बोलते हैं, आइए हम पूछते हैं कि इसको क्या कहते हैं, याला काय म्हणतात? रोडग। हे कसे बनवले जातात आणि कशा सोबत खाल्ले जातात? बरं, आणि भाजी सोबत खाला, गुळ तूप टाकून। अच्छा, तुम्ही हे इथंच बनवतात? इथंच बनवतो। कशा प्रकारे बनवता म्हणजे? आम्ही मका आणि ओवा टाकून गव्हाचं पीठ मिक्स करून बनवतो। अच्छा ओके, त्याच्या सोबत काय स्पेशल आहे? वरण आलू वांग्याची भाजी। वरण आलू वांग्याची भाजी, गुळ तूप। अच्छा, कसा प्रतिसाद मिळतो तुम्हाला नागपूर वासियांकडून? ओके, कोण कुठून आले आहे तुम्ही एक्झॅक्ट? अकोला मधून कोणत्या गावात? आणि किती दिवस हे एक्झिबिशन चालणार आहे? ओके, ये एक्झिबिशन चलने वाला है 26 तारीख तक और आप भी यहाँ लुत्फ उठाना चाहते हैं, खाने के आप शौकीन हो तो बिल्कुल यहाँ पधारे। के दूसरे पहलू में हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ देख रहे हैं कि कई गृह उद्योग द्वारा बने गए कई स्टॉल यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि बच्चों के खेलने के लिए या फिर घर में सजावट के लिए। यहाँ आप देख सकते हो मिट्टी के बने हुए खिलौने या फिर शोकेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लोगों का बच्चों का पूरा आकर्षण बना हुआ है, अलग अलग क्राफ्ट से बनी हुई चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। ये शायद जो मिल रहा है ये क्या ओरिजिनल शायद है? हाँ, ओरिजिनल है। उसको कहाँ से मतलब आप कैसे क्रिएट करते हैं? हाँ, ये किसी भी करते हैं वैसा प्रसिद्ध मिल रहा है यहाँ पे, उसे क्या रेट रखे गए हैं इसके? ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेचुरल पद्धति से यहाँ बनाया गया है, शायद अलग अलग डब्बे में अलग अलग वैरायटी में यहाँ मिल रहा है, आप देख रहे हो ये। संस्था के जरिए यहाँ पे लातूर से कुछ चीजें बनाई गई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुकीज, आपको कुकीज यहाँ मिल रहे हैं, क्या स्पेशल है तुमसे कुकीज में भी? अच्छा, कैसा प्रतिसाद भेटत आहे तुम्हाला इथे?
अच्छा बाजरी भी बन गई है। ओके आणि अच्छा हे काय आहे मग? हे गव्हाची कन्या म्हणून काम करते। महालक्ष्मी सरस की हमने आपको यहाँ पे सैर कराई, साथ ही तीसरा सेगमेंट यहाँ पे आता है कल्चरल प्रोग्राम का। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मंच है और यहाँ पे अलग अलग कलाकार आके यहाँ के लोगों का मनोरंजन करते हैं। जैसे कि देख सकते हो कि इस मेले में आने वालों की, इस एग्जीबिशन में आने वालों के लिए बैठने के लिए अच्छी सुविधा, एक वातानुकूलित सुविधा यहाँ पे की गई है। यहाँ पे बैठ के यहाँ के होने वाले कल्चरल प्रोग्राम का वो लुत्फ उठा सकते हैं। नागपुर वासियों से और नागपुर जिले और पूरे विदर्भ वासियों से वासियों को एक गुजारिश है, अगर इस चीज का आप लुत्फ उठाना चाहते हो तो यहाँ आप आए और अपना एंजॉय करें। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ इमरान शेख, बीसीएन न्यूज, नागपुर।